नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव खेर और आज मेरे पास आ चुका है टेक्नो का नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन जिसका नाम है कैमन आई क्लिक 2। कंपनी ने अभी कुछ दिन पहले इसको लॉन्च किया था और क्योंकि आज मेरे पास ये आ चुका है इसलिए मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन दिखाता हूं। और आपको शुरुआत में बता दूं कि हमेशा की तरह इस पर भी कंपनी ने लिखा है कि 1 टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट, 100 डेज की रिप्लेसमेंट और 12+1 मंथ्स की वारंटी आपको इस फ़ोन के साथ मिल जाती है। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, इसके बॉक्स को खोल लेते हैं और देखते हैं कि आपको क्या कंटेंट मिल रहा है। उसके साथ साथ मैं आपको इस फ़ोन की फर्स्ट लुक भी दिखाऊंगा और फ़ोन को लेकर अपने कुछ ओपिनियन बताऊंगा। तो ये मैंने बॉक्स को खोल लिया है, इस लिड को मैं हटा देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। ऊपर की तरफ एज़ यूजुअल स्मार्टफोन पड़ा है, टेक्नो कैमन आई क्लिक 2 इसका नाम है और लुक वाइज काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्लास फिनिश के साथ आता है और फिंगरप्रिंट सेंसर भी बैक साइड पर दिया गया है। पर एनीवे, फ़ोन की डिटेल्स बाद में देखेंगे, अभी हम बॉक्स कंटेंट पर नज़र डालते हैं। तब तक मैं इसको ऐसे प्लेस कर देता हूँ ताकि आप इसकी लुक्स को भी निहारते रहें। ये रहे इसके IMEI स्टिकर्स, इनको हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं और इसको हटाया जाए और देखते हैं कि क्या मिल रहा है आपको। तो इसको हटाने पर आपको ये मिलेगा एक सिलिकॉन कवर जो कि कंपनी ज़्यादातर अपने फ़ोन से मुहैया करवाती आई है और आपको ये वारंटी कार्ड मिल जाएगा। इसके साथ साथ एक यूज़र मैनुअल दी गई है और एज़ यूजुअल एक सिम इजेक्टर टूल भी आपको मिलेगा। एंड व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ चार्जर और कितने एम्पियर का है वो हम देख लेते हैं। 5.2 एम्पियर का चार्जर कंपनी ने इसके साथ दिया है और ये आपको मिलते हैं ईयरफोन्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी आपको ईयरफोन्स मुहैया करवा रही है, हालांकि बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं लगेंगे लेकिन एटलीस्ट आपको मिल तो रहे हैं। कुछ स्मार्टफोन कंपनीज आपको ईयरफोन्स देती भी नहीं हैं। और ये रही इसकी माइक्रो USB केबल। तो आप देख सकते हैं कि जब आप इस फ़ोन को ख़रीदेंगे तो आपको ये सारी एक्सेसरी इस फ़ोन के साथ मिल जाएगी। अब बात की जाए इस फ़ोन की फर्स्ट लुक की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी ने ये नॉच डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन के साथ बनाया है। आप फ्रंट से ही इम्प्रेस हो जाएंगे इस फ़ोन को ख़रीदने के लिए। हालांकि नीचे जो चेन है वो थोड़ा सा ब्रॉड ज़रूर है लेकिन ओवरऑल अगर इसकी लुक देखेंगे, ये स्लीक डिज़ाइन और बैक पैनल देखेंगे जो ग्लास फिनिश का है, तो आप काफ़ी अट्रैक्ट होने वाले हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको डुअल रियर कैमरास मिल जाते हैं जो कि वर्टिकल शेप में आते हैं लेकिन ये बाहर की तरफ निकले हुए हैं तो स्क्रैचेस लगने के काफ़ी आसार हैं। पर इसीलिए कंपनी आपको इसके साथ सिलिकॉन कवर मुफ्त दे रही ताकि ना इस पर स्क्रैच लगे ना इस पर स्क्रैच लगे, साथ साथ प्रोटेक्शन भी फ़ोन की बनी रहेगी। वहीं नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको माइक्रो USB स्लॉट मिल जाएगा, स्पीकर ग्रिल दिया गया है और 3.5 mm ऑडियो जैक के साथ यहाँ पर माइक भी है। राइट साइड पर पावर बटन और वॉल्यूम लॉकर कीज़ दिए गए हैं, ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं है और लेफ्ट साइड पर आपको सिम ट्रे मिल जाती है। ओवरऑल फ़ोन की डिज़ाइन जो है वो बेहद ही शानदार है और ये फ़ोन पकड़ने में भी काफ़ी हल्का है और आपको एक अच्छी फील आने वाली है जैसे आप इस फ़ोन को हाथ में पकड़ेंगे। इसके इंटरनल स्पेसिफिकेशन पर हम गौर करें तो इसमें आपको मिलता है 6.2 इंच का HD+ रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डिस्प्ले है वो काफ़ी शार्प और वाइब्रेंट है। टच रिस्पॉन्स भी एकदम इसका स्मूथ है। इसके अलावा इसमें कंपनी ने मुहैया करवाया है MediaTek का हीलियो P22 चिपसेट। एक बार मैं इसकी सिस्टम्स में जाके आपको सारे डिटेल्स दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड लिखी गई है, 4GB रैम से 64GB की स्टोरेज दी गई है और मैं आपको इसमें दिखा दूंगा कि मेमोरी एक्सपेंडेबल है पर वो डेडिकेटेड स्लॉट के थ्रू है या हाइब्रिड स्लॉट के थ्रू है। पर उससे पहले आप देख रहे हैं कि 24 MP का फ्रंट शूटर मिल जाएगा, 13+5 MP के डुअल रियर कैमरास दिए गए हैं और 3750 mAh बैटरी के साथ ये फ़ोन एंड्रॉयड ओरियो पर चलता है। अब मैं आपको इसका मेमोरी स्लॉट खोल के दिखाता हूँ कि जो मेमोरी कार्ड का ऑप्शन है वो कैसा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है, यानी आपको सेकेंड सिम कार्ड से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, 2 सिम कार्ड भी डालिए और मेमोरी कार्ड भी डालिए। अब बात करते हैं कैमरास की, तो मैंने आपको बताया कि 13+5 MP के डुअल रे सेंसर दिए गए हैं। एक बार मैं टेस्ट दिखा देता हूँ आपको। शटर स्पीड आप देख सकते हैं कि काफ़ी फास्ट है। इसके साथ साथ आपको मैं एक बार इसकी वीडियो क्वालिटी का भी अंदाज़ा दिखा देता हूँ। उससे पहले आपको बता दूँ कि कंपनी ने मेंशन किया है कि AI कैमरा है इसमें, तो सिनेरियो को डिटेक्ट करके आपको बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी मुहैया करवाने की कोशिश करता है ये फ़ोन। और वीडियो देखे जाए तो आप इसमें रियर कैमरा से 1080p वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं।
और इसके बैक कैमरा पर आपको बोके मोड और सुपर पिक्सल जैसी टेक्नोलॉजी मिल जाती है। इसके बारे में मैं आपको रिव्यू में बता पाऊँगा क्योंकि मैंने टेस्ट नहीं किया है तो मैं आपको डिटेल में बता नहीं सकता है। और अगर हम फ्रंट कैमरा पर नज़र डालें तो इसका फ्रंट कैमरा इसकी हाईलाइट है, 24 मेगापिक्सल का शूटर दिया है कंपनी ने इसमें। शटर स्पीड आप देख सकते हैं काफ़ी एक्यूरेट और फास्ट है और अभी फ़िलहाल फर्स्ट इंप्रेशन के हिसाब से काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। और आपको फ्रंट में भी HDR मोड मिल जाता है और LED लाइट भी आपको मिल जाती है। इसके साथ साथ हम फ्रंट कैमरा की वीडियो रिकॉर्डिंग पर नज़र डालें तो आप इस पर 1080p वीडियोज़ इस फ़ोन से फ्रंट से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और बोके मोड भी आपको इसमें मिल जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको बैटरी बता चुका हूँ कि 3750 mAh की कंपनी ने इसमें बैटरी दी है। ओवरऑल देखा जाए तो फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस काफ़ी डिसेंट है, आप किसी भी लिहाज से इस फ़ोन से इतना निराश नहीं होंगे। पर जब बात प्राइसिंग की आएगी तो हो सकता है कि शायद आप थोड़ा सा इससे डिसअपॉइंट हो क्योंकि कंपनी ने कीमत थोड़ी ज़्यादा रखी है। 13,499 की प्राइस रेंज पर ये फ़ोन लॉन्च किया गया है और इस प्राइस रेंज में अगर देखेंगे तो इसके बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे कि हाल ही में लॉन्च हुआ रियलमी 2 प्रो, मोटो 1 पावर और रेडमी नोट 5 प्रो। अब देखना यह है कि कंपनी इस प्राइस रेंज पर इस फ़ोन को लाकर इन कॉम्पिटिटर्स के सामने खरी उतर पाएगी या नहीं, क्योंकि कीमत ज़्यादा होने की वजह से हो सकता है कि कंपनी को थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़े। पर फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं इस फोन का रिव्यू लेके आऊँ तो प्लीज़ आप मेरे कॉमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं। और हमेशा की तरह अगर आप चाहते हैं मैं कि इसका किसी से कंपैरिजन करूं तो वो भी आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन दिस इज़ केशव खेरा साइनिंग ऑफ़।